बायो पोस्ट तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पीमैन एंड मैन का एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री मैंने पार्ट वन और पार्ट टू बना लिया है रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट नंबर वन और एक्सपेरिमेंट नंबर टू अगर आपने वह वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो आई विल सजेस्ट कि आप वो दोनों पार्ट्स देख लीजिए बाद में एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री पे मतलब ये वीडियो देखिएगा सो so बेसिकली स्पीमैन ने क्या किया था तो स्पीमैन ने एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री जो परफॉर्म किया था वो था रिलेटेड सेल पोटेंसी उन्होंने सेल पोटेंसी के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री परफॉर्म किया था अब सेल पोटेंसी मतलब क्या सो सेल पोटेंसी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिफ्रेंशिएट इन टू अनादर सेल इज नो इज नथिंग बट एन सेल पोटेंसी फॉर एग्जाम्पल ये सेल है और ये सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा न्यूरल टिश्यू में तो ये क्या हो गया इस सेल की एबिलिटी हो गई कि वो डिफ्रेंशिएट करेगा न्यूरल टिश्यू में सो दिस इज नथिंग बट द पोटेंसी ऑफ द सेल दिस इज नथिंग बट द पोटेंसी ऑफ द सेल अब स्पी मैन ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कैसे उन्होंने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री तो बेसिकली स्पी मैन ने दो अलग अलग प्रोसीजर्स परफॉर्म की थी उन्होंने क्या किया ट्रांसप्लांटेशन करवाया किसका जो गैस्टूला के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनका ट्रांसप्लांटेशन करवाया तो उन्होंने बेसिकली क्या किया तो उन्होंने दो अलग अलग गैस्टूला लिए फ्रॉम द सेम स्पीसीज सेम स्पीसीज के दो तो अलग अलग गैसटूला लिए अब उन्होंने क्या किया जो अर्ली और उन्होंने अर्ली ग्लास्टूला लिए उन्होंने लेट जो फर्स्ट प्रोसीजर उन्होंने परफॉर्म की उसमें अर्ली गैसटूल्ला लिए थे लेट गैसटूला नहीं लिए थे अर्ली ग्लास्टूला लिए थे सो तो बेसिकली उन्होंने क्या किया तो उन्होंने जो फर्स्ट गैसटूल्ला उन्होंने लिया था उसमें से जो न्यूरल टिश्यू का जो रीज़न प्रेजेंट होता है उसको ट्रांसप्लांटेशन किया सेकेंड ग्लास्टूला के इपीडर्मल रीजन में ध्यान से सुनिए कि उन्होंने क्या किया फर्स्ट गैस्ट्रोला के जो न्यूरल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं तो न्यूरल टिश्यू को ट्रांसप्लांटेशन करवाया किसमें इपीडर्मल रीजन ऑफ सेकेंड गैस्ट्रोला अब उन्होंने जब ट्रांसप्लांटेशन करवाया बाद में उन्होंने जब देखा तो वो जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू था वो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू ने न्यूरल टिश्यू नहीं बनाया उसने क्या बनाया इपीडर्मल टिश्यू जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि उन्होंने जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू ट्रांसप्लांटेड टिश्यू था रेड रीजन में सो ये जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू था उसने न्यूरल टिश्यू नहीं बनाया उसने क्या बनाया इपीडर्मल टिश्यू अब स्पीमैन स्पीमैन ने स्पीमैन को लगा कि ऐसा क्यों हुआ कि हाँ जो टिश्यू हमने ट्रांसप्लांट किए थे वो तो न्यूरल टिश्यूज थे और रैदर देन वो न्यूरल रादर दैन दे बिकमिंग न्यूरल टिश्यू वो तो एपिडर्मल टिश्यू बन गए तो ऐसा क्यों हुआ तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो अर्ली गैस्टोला के जो टिश्यूज़ या फिर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली डिटरमाइन नहीं होते किसी एक फेट को ले डिटरमाइन नहीं होते या फिर कमिटेड नहीं होते किसी एक फेट को लेते फेट को लेके इसीलिए अगर आप, आ, अगर अर्ली गैस्टोला के टिश्यू अगर हमने किसी एक पोजीशन या फिर किसी एक रीजन में अगर हम डाल दें तो वो जो अर्ली ग्रेस्टूला की जो टिश्यू होते हैं वो बेसिकली वो फेट या फिर आ, फेट डिटरमाइन करते हैं या फिर कमिटेड करते हैं जिस रीजन में वो होते हैं सो so, ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं बेसिकली कंडिशनल डेवलपमेंट या फिर रेगुलेटिव डेवलपमेंट या, या फिर डिपेंडेंट डेवलपमेंट सो ऐसे जो डेवलपमेंट होता है इसे हम तीन कंडीशनल डेवलपमेंट रेगुलेटिव डेवलपमेंट या फिर डिपेंडेंट डेवलपमेंट कहते हैं सो so, ये था फर्स्ट प्रोसीजर रिगार्डिंग ट्रांसप्लांटेशन इन अर्ली गैस्टूला सेल पोटेंसी के रिलेटेड अब उन्होंने सेकेंड प्रोसीजर में क्या परफॉर्म किया था सो so, बेसिकली जो उन्होंने सेकेंड प्रोसीजर परफॉर्म किया था वो परफॉर्म किया था लेट गैस्टूला में फर्स्ट प्रोसीजर अर्ली गैस्टूला में और सेकेंड प्रोसीजर लेट गैस्टूला में अब उन्होंने लेट गैस्टूला लिए अब जो फर्स्ट गैस्टूला था उसमें से जो न्यूरल टिश्यू थे जो रेड रीजन आपको दिख रहा है वो है न्यूरल टिश्यू वो उन्होंने ट्रांसप्लांट किया किसमें सेकेंड गैस्टूला के इपीडर्मल रीजन में सेकेंड गैस्टूला के इपिडर्मल रीजन में बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो न्यूरल टिश्यू हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया इपिडर्मल रीजन में तो उन्होंने इपिडर्मल टिश्यू नहीं बनाया उन्होंने अब क्या बनाया उन्होंने बनाया उन टिश्यूज ने बनाया न्यूरल टिश्यूज अब ऐसा क्यों हुआ तो बेसिकली स्पीमैन ने फिर बाद में कंक्लूड किया कि जो लेट गैस्ट्रोला के जो टिश्यूज या फिर सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं डिटरमाइंट वो कैसे होते हैं डिटरमाइंट या फिर कमिटेड होते हैं उनके फेट को लेके डिटरमाइन या फिर कमिटेड होते हैं उनके फेट को लेके अब जैसे हमने न्यूरल टिश्यू लिया लेट गैस्ट्रोला का तो इ, इनका फैक्टर डिटरमाइन था कमिटेड था कि ये न्यूरल टिश्यू क्या बनने वाले हैं आगे जाके न्यूरल टिश्यू। अगर आप इस न्यूरल टिश्यू को आप किसी भी रीजन में डाल दें चाहे वो स्किन स्किन रीजन ईपिडर्मल रीजन में डाल दें तो ये न्यूरल टिश्यू इपीडर्मल टिश्यू नहीं बनाएगा ये क्या बनाएगा न्यूरल टिश्यू ही बनाएगा क्यों क्योंकि लेट गैस्ट्रोला के जो सेल्स या फिर टिश्यू प्रेजेंट होता है उनका जो फेट होता है वो डिटरमाइन होता है कमिटेड होता है कि उन्हें जो बनना है वही बनेंगे आप कोई भी रीजन में उन टिश्यू या सेल को डाल दें वो वो रीजन के सेल या उन उन रीजन के सेल सेल नहीं बनाएंगे वो अपना ही डिटरमाइन जो फेट होता है वही बनाएंगे सो बेसिकली यही था रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री ऑफ स्पीमैन एंड मेरको मैन गोल्ड सो ये जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था या फिर सेकेंड प्रोसीजर उन्होंने परफॉर्म की थी इस डेवलपमेंट को हम क्या कह सकते हैं इस डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट या फिर मोजाइक डेवलपमेंट सो बेसिकली इन डेवलप सेकेंड प्रोसीजर के डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं मोजाइक डेवलपमेंट मोजाइक डेवलपमेंट या फिर इनडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट या फिर ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ऑटोनॉमस डेवलपमेंट सो बेसिकली ये था एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री ऑसमेन और एंड और मैन गोल्ड रिलेटेड यहाँ पे बस दो ही बातें ध्यान में रखनी है कि जो अर्ली गैस्ट्रोला के जो बेसिकली टिश्यूज़ होते हैं वो डिटरमाइन नहीं होते उनको फेट के ले फेट को लेकर या फिर कमिटेड नहीं होते उनके फेट को लेकर अगर आप न, किसी भी एक रीजन जैसे आप यून्यल टिश्यू को अगर अगर इपिडर्मल टिश्यू में इपिडर्मल रीजन में ट्रांसफॉर्म कर दें तो वो 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 फेड बनाएगा वो सेल्स वो फेड बनाएंगे जिस रीजन में आप उन्हें डाल देंगे और लेट गैस्ट्रोला के जो टिश्यूज़ या फिर सेल होते हैं वो कैसे होते हैं डिटरमाइन या फिर कमिटेड होते हैं उनको फेट को लेके अगर आप वो सेल्स अगर किसी भी रीजन में डालते वो उस रीजन को फेट को फेट नहीं बनाएंगे वो क्या बनाएंगे अपना ही फेट बनाएंगे क्योंकि उनका जो फेट होता है वो डिटरमाइंड और कमिटेड होता है सो आई होप आपको एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री जो स्पीमैन एंड मैनगोल ने परफॉर्म किया था वो समझ में आ गया होगा अब आ, 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 आगे की वीडियो में हम लास्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो स्पीमैन एंड मैनगोल्ड ने परफॉर्म किया था वो था एक्सपेरिमेंट नंबर फोर और इसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे रिलेटेड स्पीमैन और मैडम के एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड आए थे वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सो आई होप आपको समझ में आएगा एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री सो थैंक यू